नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं फटाफट 20 खबरों पर। नेतन्याहू के नए बागी रक्षा मंत्री को बर्खास्त किया, सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने का विरोध करने पर लिया एक्शन। कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग, दो व्यक्ति घायल, पुलिस ने हेट क्राइम मामले में किया इनकार। तिब्बत का तीसरा धर्मगुरु होगा 8 साल का मंगोलियाई बच्चा, दलाई लामा ने हिमाचल में पूरी कराई रस्में। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री ने कॉलेज के कार्यक्रम में किया अपशब्दों का इस्तेमाल, ऑनलाइन की आलोचना। अरुणाचल में हुई G20 की गोपनीय बैठक, चीन नहीं हुआ शामिल। विपक्ष का ब्लैक प्रोटेस्ट, सोनिया ने भी काले कपड़े पहने प्रदर्शन में, टीएमसी समेत 17 पार्टियां स्पीकर के सामने लहराया काला कपड़ा। अतीक को प्रयागराज ला रही यूपी पुलिस, सीतापुर पहुंचा काफिला, अतीक को स्पेशल बैरक रखा जाएगा। अमृतपाल का सबसे करीबी गनमैन गिरफ्तार, जोहल पर एनएसए का लगा, असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा। विल्किस रेप केस, दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई आज। हमीरपुर एनआईटी में मारपीट मामले में बैठक आज, फैक्ट फायरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर होगी कार्यवाही। आगरा जेल में मुसलमान कैदियों ने रखा नवरात्रि का व्रत, हिंदू रख रहे रोजा, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। आगरा में पोस्टमार्टम हाउस पर शव का सौदा, मृतक का भाई बोला जवान मौत है देख लो। आगरा में बारिश के चलते किसान परेशान, बोले आसमान से बरसी आफत। भगवान झूलेलाल के जयकारों के संग हुआ मेले का शुभारंभ, जूनियर अमिताभ के साथ लोगों ने खेली होली। फिजिक्स वाला दक्षिण भारत में उपस्थिति वाली एडटेक फर्मों का अधिग्रहण करेगा। ट्विटर एम्प्लॉयज को मिलेगा स्टॉक ग्रांट, मस्क इसे $20 मिलियन के वैल्यूएशन पर देंगे। फूड पैकेज के बाद होम केयर बिजनेस शुरू, रिलायंस के प्रोडक्ट 30-35% सस्ते। मुंबई इंडियंस बनी WPL की पहली चैंपियन, फाइनल में दिल्ली को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत जरीन ने जीता लगातार दूसरा गोल्ड। विजय देवरकोंडा और सामथा की फिल्म खुशी 1 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार। फटाफट 20 खबरों में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।